हे गाइज, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो क्लास टेंथ का सप्लीमेंट्री। जी हाँ, मैं दोस्त आप सब जानते हो कि आपकी जो बुक है तीन पार्ट, यानी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, तीन पार्ट में बटी हुई है। तो उसका जो थर्ड वाला पार्ट है, यानी सप्लीमेंट्री जिसको आप बोलते हो, उसका फर्स्ट चैप्टर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर का आखिरकार ये नाम क्या है, ये नाम जो है और ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी ये क्यों है, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन इसका हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखेंगे। क्योंकि देखो, आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी आप लोग के चैप्टर है, सभी चैप्टर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा मैं बता दूं कि पूरा के पूरे सप्लीमेंट्री रीडर से आप लोग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहीं पे आप लोग देख सकते हो कि परीक्षा में सप्लीमेंट्री रीडर के पाठों से 5 अंक के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं एक छोटा यानी 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आपको आंसर 30 वर्ड में देना होगा, 30 शब्दों में देना होगा। और एक 4 अंक वाला प्रश्न पूछेगा, जिसका आपको आंसर 60 शब्दों में देना होगा। तो जो सप्लीमेंट्री रीडर है आप लोग का जो बुक का पार्ट, उससे कुछ इस प्रकार के यानी 5, 3, 8 और 4 12 मार्क के आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जो ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी, इसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी, इसका ये नाम क्यों पड़ा है। लेकिन इससे पहले, इसको बताने से पहले, थोड़ा इस चैप्टर के जो भी मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, जो भी इसके पात्र हैं। देखो, इसमें 3 पात्र आपको मिलेंगे, एक लेडी, एक डॉगी और एक डॉक्टर। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। शायद अभी आपने इन तीनों में रिलेशन मतलब बना लिया होगा कि हाँ, एक लेडी है तो उनका हो सकता है वो मतलब डॉगी होगा, वो कुत्ता होगा, और बीमार पड़ गया होगा तो डॉक्टर के ले गई होंगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कहानी कुछ अलग है। वो पूरी की पूरी कहानी आप चैप्टर पढ़ोगे तब मालूम चलेगा, लेकिन चलो यहां मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। देखिए, एक ये जो लेडी है रिच, काफी धनी महिला है, ठीक है, जिनका मतलब नाम है पम्फ्रे, ठीक है, श्रीमती पम्फ्रे। और ये ट्रिकी है, ठीक है, डॉगी का नाम यानी जो कुत्ता है उसका नाम ट्रिकी है, और यह जो ये लेडी है ना, इनकी इनका ही डॉगी है। अब क्या होता है कि ये मतलब क्या होता है ना कि काफी ये खा खा कर मोटा हो जाता है, मतलब बीमार टाइप का हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो मतलब ये महिला होती है, इसको रोड पे टहला रही होती है, तो उसी रास्ते से ये एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर जेम्स हैरियट। क्या नाम है? डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो वेट रेनरी डॉक्टर है, यानी पशु चिकित्सक है। वो जा रहे होते हैं तो वो इस कुत्ते की हालत देखते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं, और उस महिला से बात करके उसके सर्जरी या जो भी उसका इलाज है उसके लिए परमिशन लेते हैं और उस डॉगी को लेकर चले जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन होता है इन तीनों में, ठीक है। बाकी चलो, अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। बाकी यहाँ पे इस यहाँ से आप लगा गए लगा लिए होंगे अंदाजा कि ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी इस चैप्टर का नाम क्यों है, और ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है, तो इसको भी समझ लो। और मीन्स एक, और ट्रिम्पल्स मीन्स क्या, सक्सेसफुल, जैसे सक्सेस होता है ना, उसी का एक तरह से साइनोनियम समझ लीजिए, उसको आप ट्रिम्पल्स बोल सकते हैं। आप सर्जरी मतलब एक सर्जरी जो है उसका सक्सेस, सफलता, यही चैप्टर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो डॉगी जाता है और वहाँ ठीक हो जाता है हॉस्पिटल में, तो बस उसी के नाम पे कि एक मतलब ऐसी सर्जरी जो सक्सेस रही, और ट्रिम्पल्स ऑफ सर्जरी सिंपल, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। चलो, यहाँ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज ट्रिकी। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हु वाज ट्रिकी। ऑप्शन है आप लोगों का अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। अब आप बता सकते हो आसानी से, भाई ट्रिकी कौन था? ट्रिकी भाई एक डॉगी था, ठीक है, जो एक जो मतलब धनी महिला थी उनका एक डॉगी था। तो यहाँ ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि हाउ डिड ट्रिकी लुक, ट्रिकी कैसा दिख रहा था? वेरी एक्टिव, टू मच थिन, बहुत पतला, या क्वाइट स्मार्ट, या सॉरी हाँ क्वाइट स्मार्ट, क्विट इसको पढ़ सकते हैं, वेरी फैटी लाइक ब्लॉटेड सजेज। तो इसमें देखो आप लोग का ये भी गलत, ये भी ऑप्शन, ये भी गलत। भाई बहुत फैटी दिख रहा था, बहुत मोटा माटा दिख रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर उसके इलाज के लिए ले गए थे। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेकेंड क्वेश्चन का। चलो, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब।
अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, थर्ड नंबर कि एट द क्लिनिक यानी क्लिनिक पे डॉक्टर गेव, डॉक्टर ने दिया क्या दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंजेक्शंस, या फिर नो फूड फॉर टू डेज यानी कोई भोजन नहीं दिया दो दुनिया तक। किसकी बात की जा रही है, मतलब यहाँ उस जो डॉगी था उसके बात की जा रही है, जब उसको क्लिनिक पे वो ले गए तो उसको क्या दिए, फ्रूट दिए, वेजिटेबल दिए, या फिर इंजेक्शंस दिए, या नो फूड फॉर टू डेज यानी दो दिनों तक खाना ही नहीं दिए, या चॉकलेट्स उसको दिए। तो इसमें से देखो जो सही ऑप्शन है, अगर आप पढ़े हो तो आसानी से इसका ट्रिक लगा सकते हो, नहीं तो शायद आप इंजेक्शन पे लगाओ कि भाई डॉक्टर साहब ले गए हैं तो शायद इंजेक्शन दिए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई। मतलब इंजेक्शन नहीं दिए, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं, चॉकलेट्स नहीं दिए, उसको काफी फैटी खा खा कर मोटा हो गया, तो दो दिन तो ले गए तो उसको दो दिन तक तो पहले खाना ही नहीं दिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही, आप चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से तो शायद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से और कर पाओ। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ नंबर प्रश्न। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, भाई ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। यही प्रॉब्लम थी कि वो खा खा कर बहुत मोटा हो गया था, ठीक है। यहाँ देखो फीवर गलत है भाई, मलेरिया गलत है, मलेरिया भी नहीं था, या ये मेल्यूट्रिशन कोई इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन है कि वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब वोमिटिंग मतलब एक तरह से उल्टी कर रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड मतलब बहुत ज्यादा भोजन के कारण। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से ये मतलब मालूम चल जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांच नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हु वाज मिसेज पंपरे, भाई हमने शुरू में ही बताया कि जो मिसेज पंपरे थी वो कौन थी, भाई एक रिच लेडी थी जो डॉगी की मालकिन थी। तो यहाँ पे दिया कि दी मेट गलत है, दी केयर टेकर गलत है, दी नर्स गलत है, नर्स थोड़े थी भाई, दी मिस्ट्रेस यानी मिस्ट्रेस यानी मालकिन, मालकिन थी बिल्कुल, जो भाई ट्रिकी था उसकी मालकिन थी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है पांच के बाद छह नंबर प्रश्न, मिसेज पंफ्रे वाजा, ओके मिस्टर पंफ्रे वाजा आगे है, पुअर लेडी गलत है भाई, गरीब थोड़े थी, सेल्फिश लेडी इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है चैप्टर में, या रिच लेडी या फिर जेंटल लेडी। देखो यहाँ अब इसमें से आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे, तो देखो जेंटल लेडी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अनुसार जेंटल लेडी का कोई मतलब नहीं बनता उसमें, ठीक है। तो ये रिच लेडी क्योंकि इस चीज पे फोकस किया गया, तो ये सी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि सात नंबर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, दी अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट की ट्रिकी वाज, देखो क्या हुआ कि जब जैसे जो डॉग साहब है डॉक्टर जेम्स हेरियट, जब वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले गए तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे मतलब डॉगी थे, पहले से बहुत ज्यादा वहाँ पे डॉगी थे, क्योंकि भाई वेटनरी डॉक्टर है तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे, देखो वेटनरी डॉक्टर कहने का मतलब पशु चिकित्सक थे, ऐसा नहीं कि केवल मतलब कुत्तों के ही डॉक्टर थे, नहीं बहुत सारे जानवर के डॉक्टर थे, तो वहाँ पे मतलब पहले से उनके क्लिनिक पे मतलब बहुत सारे प्रकार के जानवर होंगे, लेकिन वहाँ फोकस किया गया कि मतलब बहुत सारे डॉगी थे, ठीक है। तो जब शुरू शुरू में वहां ट्रिकी गया तो वो मतलब ट्रिकी को उतना भाव नहीं देते थे वो सब जो कुत्ते वहां पे थे, जो डॉगी थे उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे। तो यहाँ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, देखिए क्वेश्चन क्या है कि दी अदर डॉग्स डिसाइडेड, मतलब जो अदर कुत्ते हैं अन्य कुत्ते थे वो डिसाइड किए ट्रिकी वाज की, ट्रिकी एक है क्या, वेरी इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग, सॉरी इंटेलिजेंट मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एनिमल गलत, या वेरी फनी ये भी गलत, या ब्रेव एनिमल ये भी गलत, उन्होंने उसको इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह शुरू शुरू में ट्रीट किया, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, अगला आठ नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपने, आठ नंबर प्रश्न क्या है कि द नैरेटर वाज अ या एन, ठीक है आगे क्या होगा, देखो अ या एन ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि अ या एन कहाँ लगेगा, ठीक है, पेंटर थी या एक्टर, ठीक है, या एक्टर या फिर सिंगर या वेटनरी सर्जन। तो देखो यहाँ पे मैंने शुरू शुरू में बताया कि यहाँ तीन मतलब तीन लोग थे, एक मिसेस पम्फ्रे,
जो मालकिन थी ट्रिकी की, जहाँ ट्रिकी का क्या था, ट्रिकी भाई डॉगी था, उनका कुत्ता था, और एक आप लोग के क्या थे, एक डॉग साहब थे, जेम्स हेरियट। तो यहाँ जेम्स हेरियट ही क्या है, इस चैप्टर के लेखक ही है, और वही मतलब उसमें एज ए डॉक्टर की तरह अपने आप को ट्रीट कर कर उन्होंने ये मतलब लिखा है पूरा का पूरा। तो यहाँ जो डॉग साहब है वो क्या है, नैरेटर एक तरह से, वही इसके लेखक है एक तरह से बोल सकते हैं। तो या और वो क्या है, एक इसमें अपने आप को किस भूमिका में निभाए हुए हैं इस चैप्टर में, तो एक वेटरनरी सर्जन के थ्रू। तो यहाँ ये सी सॉरी यहाँ पे ए बी सी और ये डी रहना चाहिए, मतलब ये डी ऑप्शन सही है कि हाँ जो नैरेटर हैं, ठीक है, यानी मेन जो इसके लेखक है एक तरह से, वो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है, और किस तरह इन्वॉल्व है, तो एक वेटरनरी सर्जन की तरह, एक पशु चिकित्सक की तरह, ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कि फॉर हाउ मेनी डेज, ओके फॉर हाउ मेनी डेज यानी कितने दिनों के लिए ट्रिकी वॉच नॉट गिवेन एनी ईटेबल, ओके मतलब ट्रिकी को कोई खाने के लिए मतलब चीजें नहीं दी गई, खाने योग्य चीजें नहीं दी गई। ये हॉस्पिटल की बात की जा रही है, जब जेम्स हेरियट ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए तब की बात की जा रही है। तो अभी ये तो हमने पीछे ये शायद प्रश्न कर भी लिया कि जब डॉक्टर साहब उसको मतलब ले गए अपने क्लिनिक, तो उसको 2 दिनों तक तो खाना ही नहीं दिए। तो 1, 2, 3, 4, तो ये ऑप्शन सही है भाई, 2, 2 दिनों तक तो उसको कुछ खाने को ही नहीं दिए, ठीक है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद 9 के बाद 10 नंबर, हाउ ट्रिकी, यहाँ पे गलत है स्पेलिंग, TRICKI होगा ना, हाउ देखो ये थोड़ा मतलब मैं टाइप करता हूँ एक एक चीजें, तो मतलब चीजें गलत हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब गलत हो तो मैं ऐसे बता देता हूँ। तो हाउ ट्रिकी वॉच लुकिंग, मतलब ट्रिकी कैसा दिख रहा था भाई, बहुत मोटा माटा खाने के बाद दिख रहा था, तो फैटी फैटी तो सही, ये मोटा दिख रहा था। लिस्ट लेस यानी डल, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, डल यहाँ ये गलत है। वीक वीक दिख रहा था, क्योंकि देखो आप समझो कि मोटा मोटा खाकर अच्छा बन गया था, तो यार वीक कैसे था, वीक था यार, मतलब लूज पुज मतलब एकदम ऐसे मतलब लग रहा था, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा इस चीज के बारे में। तो फैटी और वीक ये दोनों ऑप्शन सही है, और इन दोनों ऑप्शन को ये अपने आप में इंक्लूड कर रहा है डी ऑप्शन की, बोथ ए एंड सी, तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, डी 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा उस। ओके उसके बाद देखो 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे कि वाट ट्रिकी लव टू ईट, ओके मतलब ट्रिकी क्या खाना पसंद करता था, वाट ट्रिकी लव टू ईट। फर्स्ट ऑप्शन है कि क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सेकेंड ऑप्शन है बनाना, सी ऑप्शन है बनाना एंड बिस्किट्स, मैंगो, डी ऑप्शन है मैंगो। तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको आसानी से मतलब एकदम आप पढ़ोगे कि हाँ ट्रिकी जो था वो क्रीम केक और चॉकलेट खाना पसंद करता था, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप लोग का 11 नंबर जो ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन है, इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हु हैज अलाउड टू टेक ट्रिकी अलोंग विथ हिम टू हिज सर्जरी, ठीक है, मतलब किसने अलाउ किया ट्रिकी को उनके साथ जाने के लिए, किस चीज के लिए, तो सर्जरी के लिए। ऑप्शन है कि डॉक्टर जेम्स हेरियट, तो ये तो गलत है भाई, भाई खुद डॉक्टर साहब के साथ मतलब अलाउ नहीं, ये गलत है। मिसेज पंपरे, या फिर मिसेज पंपरे हस्बैंड, यानी जो मिसेज पंपरे थी उनकी, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ट्रिकी को अलाउ किया उनके साथ, उनके साथ मीन्स डॉक्टर साहब के साथ ट्रिकी को जाने के लिए, या नॉन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ हस्बैंड भी नहीं है और ये डॉक्टर, ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, जो मिसेज पंपरे हैं उन्होंने ही अलाउ किया डॉक्टर साहब के साथ, जेम्स हेरियट के साथ जो ट्रिकी था उसको ले जाने के लिए, ठीक। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इन हाउ मच टाइम ट्रिकी हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रांग, मतलब कितने समय में जो ट्रिकी था ना वो बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रांग यानी मजबूत हो गया, अच्छा हो गया एक तरह से बोल सकते हैं। तो 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ, तो देखो सही ऑप्शन है 2 वीक, आप मतलब ये बिल्कुल ऑप्शन राइट है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये बिल्कुल, देखो सबसे अच्छा है ना कि आप चैप्टर पढ़ लो, ये जो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जवान पे होंगे, तो सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मतलब क्लियर करना है, तो आप इंग्लिश के सारे एकदम एक एक मतलब चैप्टर पढ़ लो एकदम एक एक लाइन, ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे 13 क्वेश्चन इस चैप्टर में,
जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे अगर बनेंगे तो, ठीक है, और निश्चित है बनेंगे, क्योंकि आपके पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से ये एक चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित है वो तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये 13 का 13 क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना। बाकी मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।